हेलो सेक्सी पीपल, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिंपल और मैं हूँ डिंपल। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देंगे ओजी राजा की वीडियो पर और इस वीडियो का नाम है झूठ। पिछली इनकी एक वीडियो थी, उस पर भी हमने दिया था, अच्छी थी, फनी थी। और अभी देखते हैं ये कैसी है, कौन किससे झूठ बोलता है, कैसा झूठ बोलता है, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जनाब की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन कोई भी लड़की इससे शादी के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि ये आदत से मजबूर कभी झूठ नहीं बोलता। आज फिर से एक लड़की के साथ मीटिंग है, चलो देखते हैं क्या होता है। जो बोलूँगा सच बोलूँगा, अब वेटर हूँ तो हूँ, घर नहीं है तो क्या हुआ, अम्मी अबू घर से बाहर थोड़ी निकाल देंगे। गाड़ी भी नहीं है तो क्या हुआ, दोनों मियां बीवी बस की फ्रंट सीट पे टाइटैनिक की तरह बैठा करेंगे। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो क्या है ना, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। ओह, बट थैंक्स गॉड मेरे ड्राइवर को दूसरे रास्ते का पता था। आपके पास ड्राइवर है? हाँ। आप गाड़ी खुद चलाते हैं? गाड़ी? लड़की बहुत प्यारी है, अगर इसको पता चल गया कि मैं बस में धक्के खाता हूँ तो ये भी रिजेक्ट कर देगी। झूठ बोल, झूठ बोल के रिश्ता पक्का कर रोजी। जी मेरे पास ड्राइवर नहीं है। वो क्या है ना कि मुझे ड्राइविंग का शौक है, इसलिए ड्राइवर नहीं रखा। अच्छा, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपके पास गाड़ी नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गाड़ी तो है मेरे पास। वैसे अगर ना भी होती तो बस है ना? बस ना बाबा ना, बस में तो मेरी बस ही हो जाती है, इतना ज्यादा क्राउड देख के मुझे तो सफोकेशन सी होती है। हाँ मुझे भी। वैसे कौन सी गाड़ी है आपके पास? गाड़ी? यू मीन गाड़ियाँ? मेरे पास ऑडी है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है। वैसे आज मैं रेंज रोवर में आई हूँ। आपके पास कौन सी गाड़ी है? नियारी। मेरा मतलब है फरारी, वो स्लिप ऑफ द टंग हो गया। ओ वाओ, आपके पास फरारी है? जी थोड़ी सी है। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे आप जॉब क्या करते हैं? वे सर्जन हूँ। आप सर्जन हैं? जी हार्ट सर्जन, लोगों के दिल निकाल कर कूचे से धोकर वापस फिट कर देता हूँ। यू सो फनी। वैसे आप क्या जॉब करती हैं? मैं? मेरे डैडी की दो दो कपड़ों की फैक्ट्रीज हैं, करोड़ों में इनकम है। जॉब करती है मेरी जूती। आप रो रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। किस बात की खुशी? वो ऐसा है कि मेरे डैडी की धागे की फैक्ट्री है और आपके डैडी की फैक्ट्री में धागा मेरे डैडी ही सप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि हम लाइफ पार्टनर बनने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। जी जी। हेलो ड्राइवर, गाड़ी मेन डोर पे ले आओ। इट वाज लवली मीटिंग यू। मैं अपने डैडी को बोल दूंगी कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। ओके बाय। ओजी तेरी तो लॉटरी लग गई, करोड़पति लड़की से होगी तेरी शादी। ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा झूठ। जब उसे पता चलेगा कि मैं एक सर्जन नहीं वेटर हूं तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। हेलो, आप घर पहुंच गई हैं? नहीं, मैं अभी रास्ते में हूँ। अच्छा,
वैसे आज सर्दी काफी ज्यादा है ना? नहीं तो, मुझे तो नहीं लग रही। वो क्यों? क्योंकि मेरी रेंज रोवर में हीटर जो है। अच्छा। वैसे आपने फोन क्यों किया? बस इतना कहना था कि अगर आप माइंड ना करें तो हीटर थोड़ा तेज कर दें। क्या मतलब? क्योंकि मैं आपकी रेंज रोवर की पिछली सीट पे बैठा हूँ और यहाँ सर्दी से जान निकल रही है। क्या? जी बेचारा क्यों, दोनों ने झूठ बोला है, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ लड़की ने बोला है कि मेरे बाप की दो कपड़े की फैक्ट्री है। उसने तो लड़िया नहीं, ओजी ने तो बोला था मैं सब सच बोलूंगा झूठी बोलूंगा। जब लड़की ने कहा कि मैं गाड़ी में आई हूँ, तुम्हारे पास गाड़ी है, जब उसने कहा कि उसके पास वो गाड़ी है, मैं बोलूंगा। अच्छा, गाड़ी नहीं बोली बुरी गाड़िया और मेरे बाप की दो दो फैक्ट्रिया है कपड़ों की है। काम करे मेरी जुत्ती वही काम जॉब करे मेरी जुत्ती। खैर वीडियो तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और दोनों ने झूठ बोला, दोनों ही झूठे थे। लेकिन लड़का फिर भी लड़के को रियलाइज हो गया कि यार मैंने झूठ बोला है, अगर लड़की को सच पता चल गया तो उसका दिल टूट जाएगा बेचारी का। मैं जाके तो उसने कहा कि मैं सच बताता हूँ जाके, इतना नहीं पता कि जिस बस में बैठा उसकी अगली सीट पे वही बैठी है। खैर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी रेस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। खैर मैं आप सबसे बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने हमारे इतने सारे क्या कहते हैं सब्सक्राइबर पूरे कर दिए 2000 ना, तो मैं आप सबसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच, इसी तरह प्यार करते रहो मेरे से और नहीं सिंपल और डिंपल से इसी तरह प्यार करते रहो, सब्सक्राइब करते। मैंने कहा शायद इतनी खुशी आयशा को कि आयशा भूल ही गई है कि मैं भी हूँ साथ में, तो मेरा भी बनता है। लेकिन खैर आप सब बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली और आपके इतने प्यार के लिए और इतने सब्सक्राइबर के लिए, और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह हमें हमसे प्यार करते रहेंगे और हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान एस्ट्रा महमूद गिल।